सुजीत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुजीत जी, तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं, बहुत कम समय बचा है और अब ये शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। और इसी के साथ में अगर आपने सुना होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सुना होगा, 75 पार के लिए पूछा गया तो आनाकानी करते हुए नजर आए कि अब सरकार बन तो रही है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा, उनका कहने का आशय था कि वो चुनाव से पहले की बात है और नतीजा अब आ चुका है और ऐसे में जो नतीजे आए हैं उसके साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये बड़ी बात है। तो अब आप देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में जो बड़े अतिथि हैं, खास तौर से प्रकाश सिंह बादल हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जयराम ठाकुर हैं और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे हरियाणा के, जी, मैं आपको अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जयप्रकाश नड्डा मैं यहाँ दोनों साथ में पहुंचना चाहूंगी। मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं, देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और उनके साथ में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। 2:14 समय हो गया है और पीछे आप देखिए दुष्यंत चौटाला भी आपको नजर आएंगे, यानी कि साथ में ही आए हैं, साथ में ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे और इस बार डिप्टी सीएम भी होंगे और डिप्टी सीएम होंगे जेजेपी से अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं, दूसरी बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इस बार उप मुख्यमंत्री भी राज्य में होगा, वो होंगे दुष्यंत चौटाला, क्योंकि चाबी उन्होंने अपनी दी है बीजेपी को कि सरकार बनाइए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। और एक एक करके सभी से मिलते हुए, जी सुजीत जी पहुंच चुके हैं मनोहर लाल खट्टर भी, दुष्यंत चौटाला भी, और अब बहुत कम समय बचा है शपथ ग्रहण समारोह और राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन पहली बारी में ही चौका मार के दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बने और अब डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि वहां पर जिस तरीके से शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ राज्यपाल के आने का इंतजार है और राज्यपाल के पहुंचने के बाद शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों वहां पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम को ही शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद मंत्रियों के शपथ कार्रवाई बाद में होगी, अभी ऐसा ही माना जा रहा है। और खुद अनिल विज जो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने ये बात जानकारी मीडिया से साझा की और अब देखना होगा कि इसके बाद आज सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ के बाद कितना वक्त लगता है मंत्रियों के चयन में और फिर उनको शपथ दिलाने में। अब देरी की वजह ये हो सकती है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों दलों में आपस में मंत्रियों के नाम को लेकर सहमति और फिर उसके बाद अपने अपने दल से किस विधायक को मंत्री बनाना है वो भी नेताओं को विचार विमर्श और सारे पहलुओं पर अध्ययन करने परामर्श करने के बाद ही लगता है कि वहां पर कार्रवाई। राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए राज्यपाल पहुंच गए और अब शपथ दिलाई जाएगी सीएम की और डिप्टी सीएम की और इसका इंतजार किया जा रहा था। जनता ने जो मैंडेट दिया था सरकार बनाने की कवायद, इसके लिए इतनी की गई थी, दिन रात जनता के बीच गए थे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, आज वो मेहनत और वो तमाम चीजें आज ये देखी जा रही हैं। और सुजीत जी, ये तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है, जिस तरीके से साथ में बैठे हुए हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि उतने ही साथ के साथ सरकार भी चलाई जाए, क्योंकि जनता ने बहुत अच्छे मैंडेट के साथ में इन लोगों को अपनी कमान सौंपी है। बिल्कुल, अब गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा 57 का है, 57 विधायकों की संख्या का उन्होंने समर्थन दिया है और ऐसे में कह सकते हैं कि 57 विधायकों के समर्थन की वजह से उनकी सरकार 5 साल चलेगी और शायद यही वजह है कि जो विधायकों के समर्थन की बात की गई है कि जो जेजेपी से भी समर्थन लिया है और 7 निर्दलीयों का भी समर्थन लिया है,
तो उसके पीछे स्थिर सरकार देना एक बड़ी वजह बताया जा रहा है कि स्थिर सरकार हो, 5 साल सरकार चले, खींचतान से बचने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। तो अब कह सकते हैं कि जो है जिस तरीके से आपने देखा कि अजय चौटाला ने भी ये बात कही, उन्होंने भी ये दावा किया कि 5 साल चलेगी और फर्राटे से चलेगी सरकार। सुजीत जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद में अब जी सुजीत जी, राष्ट्रगान खत्म हो चुका है, यानी कि अब शपथ ग्रहण ही कराई जाएगी। बिल्कुल, अब शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई शुरू होगी और अब सदन वहां शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति ली गई है। अब उस अनुमति के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई शुरू होगी और अब देखा भी जा रहा है, अब थोड़ी ही समय बचा है जब राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। सुजीत जी, मंच पे हम देख पा रहे हैं अनिल विज भी बैठे हुए हैं, भले ही आज मंत्री पद की शपथ ना दिलाई जाए लेकिन ये अहम हो गया है। चलिए, तो ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और अब से बहुत कम समय बचा है, एक बार फिर से मनोहर लाल के हाथ में प्रदेश की कमान आने वाली है। देखिए, शपथ दिलाई जाएगी, दिलाई जा रही है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा है या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे उप मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में
कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतकरण से ग्रहण करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करूंगा उपेक्षित हो या परोक्ष रूप से अनुशोषित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के बाद जलपान करके जाएं, जिसकी व्यवस्था साथ वाले पंडाल में की गई। प्रदेश की कमान संभालेंगे और इस बार प्रदेश को डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री भी मिला है जो कि दुष्यंत चौटाला हैं। ये तस्वीर आज ये बताती है कि गठबंधन की सरकार आगे चलने वाली है। आज वो सिरे चढ़ा है, मैं इसके लिए उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का पावन पर्व है, इसके लिए भी सबको शुभकामनाएं देता हूं।